फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार। अगर हम कमोडिटी के वीकली आउटलुक की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट वीक रहा, जहां हमने देखा एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर करीबन 2.5% की तेजी देखी शॉर्ट कवरिंग के साथ, सोने में 2.5% की तेजी, चांदी में फिर से 3.5% की तेजी बनते हुए दिखी। एनर्जी पैक की अगर बात करें तो ओवरऑल एनर्जी पैक के अंदर 5.25% की गिरावट थी, बट नेचुरल गैस में गिरावट जरूर थी 15% की, बट क्रूड की अगर हम बात करें तो प्राइजेस 68-62 का लेवल ओपन होने के बाद 6600 तक के भी लो लगाते हुए दिखाई दिया, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से रिकवरी करके फिर से प्राइजेस 6900 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो 2.25% की तेजी के साथ एमसीएक्स मेटल इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई दिया। पूरे ही बेस मेटल का एक अच्छा खासा रनअप बनते हुए देखा। नो डाउट यूएस से इन्फ्लेशन डेटा के बाद हायर लेवल से प्राइजेस में कुछ करेक्शन भी आए हैं, बट कहीं ना कहीं पूरे ही काउंटर में हम फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, जहां हमने पूरे बेस मेटल के अंदर एल्यूमिनियम में 3.5% की तेजी, जिंक में 2% की तेजी, कॉपर में 2% की 1.5% की तेजी और लेड में भी हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी। फंडामेंटल साइड की बात करें तो काफी बड़े इवेंट्स रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया और यूक्रेन को लेकर जो कंसर्न्स बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट करेगा। नो डाउट इसकी वजह से क्रूड ऑयल, सोने चांदी में तो तेजी रहेगी, बट बेस मेटल में हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस के चलते प्राइसेस में पुलबैक मिल जाए। वहीं दूसरी ओर फेड ने भी क्लियरली कहा है कि मार्च से हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बट इन्फ्लेशन डेटा को देखते हुए ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द हो सकता है अगले हफ्ते ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखेंगे, जिसके चलते हमने कमोडिटी मार्केट में करेक्शन भी आते हुए देखा है। बट ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने और चांदी में एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रूड में भी जब भी कोई ऐसा तनाव बढ़ता है तो क्रूड में जनरली हम तेजी देखते हैं, तो क्रूड में हमें लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक तेजी का रुख कंटिन्यू रह सकता है, जबकि बेस मेटल में सप्लाई शॉर्ट है, इन्वेंट्री ड्रॉप है और आउटपुट में भी जो कमी है ये प्राइजेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो अगले हफ्ते के लिए गोल्ड में बाइंग करके चलिए, क्योंकि प्राइजेस अब 49,000 के ऊपर निकल चुका है, जो 49,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। चांदी 63 के करीब बंद होते हुए दिखाई दी है, बट कहीं ना कहीं 64,800 तक का लेवल देख सकते हैं। क्रूड वॉलेटाइल रहेगा, ओवरबॉट जरूर है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि RSI 72 के ऊपर बन चुकी है, बट कहीं ना कहीं अब ये 7,200 तक के भी लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस में आगे जाके ठंड कम होने की वजह से ड्रॉप आते हुए दिखेंगे, बट कहीं ना कहीं ध्यान रखिए जब तक 320 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है 270 तक का लेवल आराम से हम देख सकते हैं। बेस मेटल के अंदर हमने देखा सप्लाई डिस्टरबेंस की वजह से तेजी का रुख कायम रहेगा, जहां पे कॉपर हमें लगता है फिर से 800 का लेवल दिखा सकता है थोड़े पुल बैक पे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। जिंक 300 के ऊपर साउंड दिखाई दे रहा है, जो 312 का टारगेट रहेगा। 1740 की लेवल पे निकल बाय कीजिए 1820 के टारगेट के लिए। 251 के लेवल पे एल्यूमिनियम बाय कीजिए 260 के टारगेट के लिए। वहीं लेड में भी 182 के करीब मिले तो लेके चलना है। ओवरऑल पूरे बेस मेटल में तेजी का रुख रहेगा। धन्यवाद। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयां हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।